हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू माय चैनल। हम लोग क्लास 9 फिजिक्स का थर्ड चैप्टर पढ़ाई कर रहे थे जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। इस चैप्टर पर हमने दो लेक्चर्स कवर कर लिए हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द थर्ड लेक्चर। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट बिफोर मूविंग अहेड विद द थर्ड लेक्चर यू हैव कम्प्लीटली वॉच्ड द प्रीवियस टू लेक्चर्स एंड ओनली देन यू कंटिन्यू विद दिस थर्ड लेक्चर। So let's get started. Today what topics we are going to cover are linear momentum, इसको पढ़ेंगे, change in linear momentum, इसको पढ़ेंगे, rate of change of momentum and mathematical derivation of Newton's second law of motion. We have already studied Newton's first law of motion in the previous lecture. Now today we are going to start Newton's second law of motion. But we are not going to complete Newton's second law of motion today in this video because it's a lengthy topic. Newton's second law of motion is a lengthy topic and we will not complete it in one lecture. Okay, तो हमने इसको दो lectures में तोड़ा है और आज हमारा Newton's second law of motion का पहला lecture है। तो इस lecture में हम Newton's second law of motion को समझने के लिए जिन concepts को ज़रूरत है सबसे पहले जैसे लीनियर मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, इनको पहले करेंगे एंड देन वी विल ओनली मैथमेटिकली डिराइव न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। बट वी विल नॉट टुडे, वी विल नॉट स्टार्ट द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड टुडे ऑल्सो वी विल नॉट स्टार्ट द एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इन डेली लाइफ। तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, आज हम इन्हीं टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट अस मूव टू लीनियर मोमेंटम समझने का कोशिश करेंगे, ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। नाउ यहाँ पे एक आदमी है, ये आदमी क्या कर रहा है, इसके तरफ दो बॉल्स इसके तरफ आ रहे हैं, वन इज अ बिग बॉल एंड वन इज अ स्मॉलर बॉल, ओके, मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, अज्यूम दैट बोथ ऑफ मेड अप ऑफ सेम मटेरियल बट वन इज बिग वन इज स्मॉल, यानी जो बड़ा बॉल है उसका मास ज्यादा है और जो छोटा बॉल है उसका मास कम है, ठीक है। एंड बोथ ऑफ दीज बॉल्स आर कमिंग टुवर्ड्स हिम विद द सेम वेलोसिटी, यू सी इसका भी वेलोसिटी वी और जो नीचे का छोटा बॉल है उसका भी वेलोसिटी स्मॉल वी, तो दोनों का वेलोसिटी स्मॉल वी है, दोनों का वेलोसिटी सेम है, लेकिन डिफरेंट क्या है दोनों बॉल्स में, दोनों का मास डिफरेंट है, एक बॉल का मास ज्यादा, एक बॉल का मास कम। तो तुम बताओ कि किस बॉल को स्टॉप करने में उसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, उसको ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा, ऑब्वियसली जो बड़ा बॉल है उस बॉल को स्टॉप करने के लिए उसको ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, इजंट इट, इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड ऑल्सो। यानी ये मास इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट व्हेन वी स्टडी अबाउट फोर्स, फोर्स को जब हम पढ़ेंगे तो मास ऑफ द बॉडी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है, मास बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एक दूसरा केस को देखते हैं, यहां पे दो बॉल्स आ रहे हैं लेकिन दोनों का मास सेम है, प्रीवियस केस में मास डिफरेंट था, ठीक है, और वेलोसिटी सेम था, लेकिन इस केस में मास सेम है, वेलोसिटीज आर डिफरेंट, वन ऑफ द बॉल्स इज मूविंग विद कैपिटल वी वेलोसिटी एंड द अदर बॉल इज मूविंग विद स्मॉल वी वेलोसिटी एंड इट इज गिवन दैट कैपिटल वी इज मोर देन स्मॉल वी, यानी जो बड़ा वाला, यानी जो ऊपर वाला बॉल है, बड़ा छोटा तो नहीं है दोनों तो सेम बॉल है, यानी जो फर्स्ट बॉल है उसका वेलोसिटी ज्यादा है और जो दूसरा बॉल है उसका वेलोसिटी कम है, तो ये कम स्पीड से इसके तरफ आ रहा है सेकेंड वाला बॉल और ऊपर वाला बॉल ज्यादा स्पीड से उसके तरफ आ रहा है, तो तुम बताओ किस बॉल को स्टॉप करने में उसको ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा। ऑब्वियसली यहाँ पे जिसका वेलोसिटी ज्यादा है वो बॉल को स्टॉप करने के लिए उसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, यानी वेलोसिटी इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी फोर्स, ठीक है। तो एक तो मास हो गया और दूसरा हो गया वेलोसिटी, ये जो मास एंड वेलोसिटी है इसका प्रोडक्ट, इसको जब हम मल्टीप्लाई कर दिए एमवी, एम इनटू वी दैट इज एमवी, इसका प्रोडक्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फोर्स। तो ये एमवी को हमने एक स्पेशल नाम दे दिया, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी को हमने एक स्पेशल नाम दे दिया, क्या नाम दिया, लीनियर मोमेंटम, मेरे साथ बोलो क्या नाम है, लीनियर मोमेंटम, जिसको हम सिर्फ मोमेंटम नाम से भी पुकारते हैं। अभी हम इस चैप्टर में कभी मैं लीनियर मोमेंटम बोलूंगा, कभी मैं हो सकता है सिर्फ मोमेंटम भी बोल दूं, बोथ आर सेम, ओके।
बिकॉज इन फ्यूचर यू आर गोइंग टू स्टडी नॉट इन क्लास 9 लेवल, बाद में हायर क्लासेस में तुम एक टर्म पढ़ोगे एंगुलर मोमेंटम, तो वो अभी फ्यूचर का बात है। इसीलिए मोमेंटम भी दो तरह का, लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम, लेकिन अभी तुम लोग एंगुलर मोमेंटम को नहीं पढ़ना है। इसलिए जब मैं मोमेंटम बोलूंगा तो एज्यूम कर लेना वी आर टॉकिंग अबाउट लीनियर मोमेंटम ओनली। ओके नाउ, तो ये चीज क्लियर हो गया कि मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट इज लीनियर मोमेंटम, वी आर कॉलिंग इट, इट इज डिनोटेड बाय विच सिंबल, स्मॉल पी। तो यही चीज यहां लिखा हुआ है, लीनियर मोमेंटम, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल पी। एंड व्हाट इज दिस लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी, उसमें कितना मास है और उसका कितना वेलोसिटी है, इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे तो हमें उस बॉडी का लीनियर मोमेंटम पता चल जाएगा। ठीक है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डिरेक्शन इज अलोंग द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो यानी डायरेक्शन तो होगा ही, और डायरेक्शन किस तरफ है, जिस तरफ उसका वेलोसिटी है, जिस तरफ वो मूव कर रहा है। तो यानी इस केस में इस बॉल्स, दोनों बॉल्स का लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स दिस मैन, क्योंकि ये मैन की तरफ मूव कर रहा है तो इसका डायरेक्शन भी टुवर्ड्स दिस मैन होगा। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, SI यूनिट ऑफ मोमेंटम इज kg मीटर पर सेकेंड एंड CGS यूनिट इज ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो कैसे मैंने SI यूनिट निकाला, SI यूनिट क्या होगा, मास और वेलोसिटी का SI यूनिट का मल्टीप्लीकेशन, मास का SI यूनिट क्या है kg, वेलोसिटी का SI यूनिट मीटर पर सेकेंड, तो हमारा आ गया kg मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली इफ CGS यूनिट निकालना है, मास का CGS यूनिट ग्राम और स्पीड का सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड इज द CGS यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम। यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो इसको फॉर्मूला को अभी रट लो, एक फॉर्मूला तुम्हारे सामने उपस्थित हो गया, एंड दैट फॉर्मूला इज लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, दैट इज पी इक्वल्स टू mv। चलो इस फॉर्मूला को अभी याद कर लो, नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं। नाउ चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ओके, अब फिजिक्स में जब हम चेंज की बात करते हैं तो एक सिंबल का यूज करते हैं उस चेंज को डिनोट करने के लिए। तो उस सिंबल का क्या है, वो सिंबल दैट इज अ स्मॉल ट्रायंगल जिसको हम बोलते हैं डेल्टा। ठीक है, ये डेल्टा बोला जाता है इसको, या फिर इसको डेल भी बोलते हैं, कभी शॉर्टकट में इसको डेल बोल देते हैं। तो डेल्टा या डेल क्या डिनोट करता है, स्मॉल चेंज इन एनी फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा सा इसको और समझते हैं, बड़ा ईजी चीज है, कुछ भी नहीं है। सपोज कि कोई बॉडी था, उसका वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी उसका 10 मीटर पर सेकेंड था। ठीक है, शुरुआत में वो 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा था, और कुछ देर बाद उसका वेलोसिटी चेंज हो गया, 30 मीटर पर सेकेंड हो गया। फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, 30 मीटर पर सेकेंड। तो उसका चेंज इन वेलोसिटी कितना आएगा, यानी v माइनस u करेंगे, दैट इज 30 माइनस 10, 20 मीटर पर सेकेंड आएगा। तो ये हो गया हमारा चेंज इन वेलोसिटी। तो उसी को हम v माइनस u न लिख के डेल्टा v भी लिख सकते हैं। डेल्टा v मींस चेंज इन वेलोसिटी। ये डेल्टा क्या डिनोट कर रहा है, चेंज। v क्या डिनोट कर रहा है, वेलोसिटी। तो टोटल क्या पढ़ेंगे, चेंज इन वेलोसिटी। उसी तरह से अगर मुझे चेंज इन लीनियर मोमेंटम करना है तो मोमेंटम का यूनिट सिंबल क्या, पी, और चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, डेल्टा पी। तो वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, चेंज इन मोमेंटम या चेंज इन लीनियर मोमेंटम को हम डेल्टा पी से डिनोट करेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया डेल्टा पी क्या है, ये क्लियर हो गया। अब यहां पे इक्वेशन कैसे आया, अब बताओ कि अगर हम, ये फॉर्मूला तो क्लियर है, पी इक्वल्स टू mv। ठीक है, तो अगर हम चेंज इन पी निकालेंगे, यानी चेंज इन मोमेंटम करेंगे, तो डेल्टा पी इक्वल्स टू डेल्टा ऑफ mv करेंगे, नो डाउट। अब हम जानते हैं कि बॉडी का मास तो अपने आप लूज नहीं होता है, डिक्रीज नहीं होता, इंक्रीज नहीं होता है, मास ऑफ अ बॉडी इज कॉन्स्टेंट। तो हमने इस कॉन्स्टेंट टर्म को बाहर निकाल लिया, क्योंकि वो तो चेंज करेगा नहीं, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, डेल्टा पी इक्वल्स टू मास बाहर आ गया, लेकिन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी कैन चेंज, तो डेल्टा वी हमारा आ जाएगा। यानी पी इक्वल्स टू, ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है ऊपर में, डेल्टा पी इक्वल्स टू मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी। हमने इस इक्वेशन से मास को बाहर निकाल लिया, डेल्टा के बाहर निकाल लिया, क्यों, क्योंकि मास इज नॉट गोइंग टू चेंज, मास ऑफ अ बॉडी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, एंड इफ मास ऑफ द बॉडी रिमेन्स कॉन्स्टेंट देन वॉट वी आर एज्यूमिंग दैट ओनली वेलोसिटी इज चेंजिंग ऑफ द बॉडी विच विल ब्रिंग द चेंज इन लीनियर मोमेंटम। अगर किसी बॉडी का लीनियर मोमेंटम चेंज कर रहा है तो वो उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, इसलिए उसका लीनियर मोमेंटम चेंज कर रहा है, कि मास तो अपने आप चेंज होगा नहीं। ठीक है, लेकिन 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 एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलने जा रहा हूं, तुम्हारे लिए नया चीज है ये,
हम सभी जानते हैं कि मास चेंज नहीं होता है, मैटर कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो मैटर अगर क्रिएट डिस्ट्रॉय नहीं होता है तो मास कांस्टेंट रहता है। लेकिन क्वांटम फिजिक्स के अनुसार, इट्स अ न्यू फील्ड ऑफ फिजिक्स विच यू हैव नेवर यू नो स्टडीड, क्वांटम फिजिक्स का तुम लोग कुछ नहीं जानते हो अभी इस वक्त क्लास 9 में, तो लेकिन क्वांटम फिजिक्स क्या बोलता है उसमें एक कॉन्ट्रोवर्सी है क्लासिकल फिजिक्स से। अभी हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं कि मास चेंज नहीं होता है, दिस इज इन क्लासिकल फिजिक्स, बट वॉट डज क्वांटम फिजिक्स से, क्वांटम फिजिक्स बोलता है कि कोई भी स्मॉल पार्टिकल्स है, वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, अगर उसका स्पीड वेरी हाई स्पीड है, उसका स्पीड कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट, लाइट के स्पीड से कंपेयर किया जा सकता है, तब जब वो उसका वेलोसिटी इतना हाई स्पीड से वो एटॉमिक पार्टिकल्स मूव करता है, तब उसका मास चेंज हो जाता है। इट्स अ वेरी शॉकिंग थिंग फॉर यू ऑल टू यू नो व्हेन यू हियर दिस, कि कोई बॉडी का स्पीड बहुत हाई हो जाएगा, वेलोसिटी बहुत हाई हो जाएगा, उसका मास क्यों चेंज करेगा। ओके, दैट इज द डिफरेंट जोन इन क्वांटम फिजिक्स विच यू विल स्टडी इन हायर क्लासेस। तो इसीलिए एक चीज इंपॉर्टेंट है कि दिस इक्वेशन इज ओनली ट्रू व्हेन द मास ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट, बट इट इज नॉट ट्रू इफ द मास डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। सो यहां क्या लिखा हुआ है, एक नोट करके, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, द रिलेशन डेल्टा पी इज इक्वल टू एम डेल्टा वी इज ट्रू ओनली इफ द वेलोसिटी यानी स्पीड ऑफ द मूविंग पार्टिकल इज मच स्मॉलर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट। अगर इसका वेलोसिटी ऑफ लाइट से बहुत बहुत कम उसका स्पीड है, देन ओनली दिस इक्वेशन विल होल्ड ट्रू। अगर इस पार्टिकल्स का या बॉडी का स्पीड लाइट के स्पीड से कंपेरेबल हो गया या इक्वल हो गया, तो क्या होगा कि मास कांस्टेंट नहीं रहेगा एंड दिस इक्वेशन विल नॉट होल्ड ट्रू इन दैट केस। तो ये एक कंडीशन है कि कब हम बोलेंगे कि दिस इक्वेशन विल होल्ड ट्रू। नाउ हमारे आसपास की जो भी चीजें हैं उनमें कभी भी हम वो स्पीड अचीव नहीं कर सकते हैं। तुम कभी भी कोई भी चीज, तुम एक बॉल फेंक रहे हो, क्रिकेट जब खेल रहे हो, तुमने एक बॉल थ्रो किया, तो उस बॉल का स्पीड इज मच 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 लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट। इन आवर डे टू डे एग्जाम्पल, आसपास की चीजों में वो स्पीड अचीव करना इज इम्पॉसिबल, ठीक है। तो इसीलिए हम ये जो इक्वेशन हमने अभी लिखा है, डेल्टा पी इक्वल्स एम डेल्टा वी, दिस इज ट्रू फॉर ऑल द जनरल थिंग्स, बट वेन इट इज नॉट ट्रू वेन वी आर टॉकिंग अबाउट वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स विच आर एक्सेलरेटेड विद द स्पीड वेन कंपेयर्ड विच द स्पीड विच इज कंपेरेबल विद द स्पीड ऑफ लाइट। तो वो पार्ट अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन इस कंडीशन को जरूर हम याद रखेंगे, ठीक है। ये तुम्हारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन आ सकता है। नाउ आई होप ये क्लियर हो गया, थोड़ा सा नया चीजें हमने आज जाना। नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, अभी हमने पढ़ा चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, अब रेट ऑफ चेंज पढ़ेंगे। रेट का जब हम बात करेंगे, रेट मतलब ही उसको हम टाइम के साथ हम उसको कंपेयर कर रहे हैं कि कितना टाइम में कितना मोमेंटम चेंज कर रहा है, यानी डिनोमिनेटर में हम टाइम डाल देंगे। तो बड़ा सिंपल सा चीज है ये, डेरिवेशन बहुत सिंपल है, यहां से पढ़ते हैं। लेट अ फोर्स एफ बी अप्लाइड ऑन अ बॉडी, किसी बॉडी पे कितना फोर्स लगा रहे हैं एफ, ऑफ मास एम, उस बॉडी का मास कितना है एम है, यानी मास कांस्टेंट है थ्रू आउट, उसका मास चेंज नहीं कर रहा है, एम है। फॉर टाइम टी, टाइम के लिए हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं एफ, ड्यू टू विच इट्स वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम यू टू वी, तो उसका वेलोसिटी चेंज हो जाता है, यू था वेलोसिटी, अभी फोर्स लगने के बाद उसका वेलोसिटी वी हो जाता है। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, एम इंटू यू, वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी गिव्स द मोमेंटम, तो मास एंड इनिशियल वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे एम यू, तो हमारा इनिशियल मोमेंटम निकल जाएगा। सिमिलरली फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, एम वी। अब चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, अगर हमें चेंज इन मोमेंटम निकालना है, दैट इज डेल्टा पी निकालना है, तो हो जाएगा एम वी माइनस एम यू, दोनों मोमेंटम्स को माइनस कर देंगे, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो हमारा एम कॉमन आ जाएगा। तो हमने क्या किया, एम कॉमन निकाल के वी माइनस यू कर दिया, तो एम हमारा कॉन्स्टेंट है, वो चेंज नहीं कर रहा, इसलिए एम बाहर है और वी माइनस यू, यानी दिस इज डिनोटिंग डेल्टा वी, चेंज इन वेलोसिटी। तो हमारा यहां से भी पता चल गया कि डेल्टा पी इक्वल्स टू एम डेल्टा वी। आई होप दिस इक्वेशन, द प्रीवियस इक्वेशन दैट वी हैव स्टडीड इज मोर क्लियर राइट नाउ। तो ये जो हमारा आया एम वी डेल्टा यू, अब हमें रेट ऑफ चेंज निकालना है, तो रेट करना है मतलब डिवाइड बाई टाइम, तो हमने डिवाइड बाई टाइम कर दिया, एम वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी,
ये जो इक्वेशन आया एम वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, इसको ध्यान से देखो, ये वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी को हम एक्सेलरेशन बोल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम. तो हमने वहां ए डाल दिया, तो फाइनली व्हाट वी गॉट, एम इंटू ए. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन. ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन मुझे मिला कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी. और ये डेरिवेशन तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है कि डिराइव द रिलेशन बिटवीन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मास एंड एक्सेलरेशन. ये तीनों फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में जो रिलेशन है इसको डिराइव करो, ये आ सकता है. अब इस इक्वेशन, ये इक्वेशन जो है कब ट्रू रहेगा, मैंने फिर से बोल रहा हूं मैं कि इसका जब मास कांस्टेंट रहेगा देन ओनली दिस इक्वेशन इज ट्रू. सो दिस रिलेशन होल्ड्स ट्रू व्हेन द मास ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट, नीचे लिखा हुआ है. आई होप दिस डेरिवेशन इज अंडरस्टूड बाय यू एंड प्लीज कॉपी इट डाउन, इट मे कम इन योर एग्जाम. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, डेरिवेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. अभी हम मैथमेटिकल डेरिवेशन करने वाले हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का. सिंपल है, और वो जो रिजल्ट हम फाइनली ऑब्टेन करेंगे वो है एफ इक्वल्स टू एम ए. वी आर गोइंग टू ऑब्टेन दिस इक्वेशन, दिस इज द मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. तो हम पढ़ने वाले हैं. ओके, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स न्यूटन कंक्लूडेड, न्यूटन ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किया और उस एक्सपेरिमेंट्स के आधार पे उसने कंक्लूड किया कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन. सिंपल भी है समझना कि जितना ज्यादा हम फोर्स लगाएंगे बॉडी में उतना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा. नो डाउट, इट इज वेरी सिंपल. तुम जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे बॉडी में उतना ज्यादा ही उसमें एक्सेलरेशन होगा, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. और जो ग्राफ हमने प्लॉट किया फोर्स और एक्सेलरेशन का, आई थिंक दिस इज द ग्राफ, ऊपर नीचे हो गया. दिस ग्राफ इज फॉर दिस, ओके, प्लीज डोंट कन्फ्यूज, आई एम सॉरी फॉर दिस. एंड दिस सेकेंड वाला रिलेशन के लिए ऊपर का ग्राफ है. ओके, सो देर इज एन इंटरचेंज, लेट मी करेक्ट इट. ओके, सो यस, इट्स नाउ करेक्ट. फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा एक्सेलरेशन. तो जब हमने फोर्स और एक्सेलरेशन का ग्राफ को प्लॉट किया, वी हैव ग्रॉट अ लीनियर ग्राफ. तो ये ग्राफ तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है कि प्लॉट द ग्राफ बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन. तो एक लीनियर ग्राफ होगा, क्योंकि जितना जैसे जैसे फोर्स बढ़ रहा है एक्सेलरेशन भी वैसे वैसे बढ़ रहा है, प्रोवाइडेड द मास इज कॉन्स्टेंट, मास को कॉन्स्टेंट रहना है. दूसरा क्या रिलेशन पता न्यूटन ने हमें बोला कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑल्सो. जितना ज्यादा मासिव बॉडी होगा उस पर ज्यादा फोर्स लगाना है उसको रोकने के लिए, या फिर वो मासिव बॉडी ज्यादा फोर्स लगाएगा. नो डाउट कि अगर कोई बड़ा पत्थर है वो तुम्हारे तरफ आ रहा है, एक छोटा पत्थर है वो तुम्हारे तरफ आ रहा है, तो कौन सा पत्थर तुमको ज्यादा फोर्स से धक्का देगा? ऑब्वियसली जिसका मास ज्यादा है दैट विल गिव यू अ मोर फोर्स, उससे ज्यादा तुम्हें धक्का लगेगा. तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी, मोर द मास मोर द फोर्स. तो फोर्स और मास के बीच में भी जब हमने ग्राफ प्लॉट किया तो हमारा इस तरह का ग्राफ आया जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट था. तो इस सेकेंड वाले केस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, फर्स्ट वाले केस में मास कांस्टेंट है, ये दोनों ग्राफ मिला. अब ये जो इक्वेशन हमें मिला, इक्वेशन वन विच सेज एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए एंड सेकेंड इक्वेशन एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, तो हमें मिल जाएगा दोनों को कंबाइन करेंगे तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए, दोनों इक्वेशन से मिल जाएगा. ठीक है, ये जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को अगर हम रिमूव करेंगे और इक्वल टू साइन डालेंगे तो हमें क्या करना पड़ता है? अकॉर्डिंग टू द रूल्स वी हैव टू पुट अ कॉन्स्टेंट. चलो के हमने कॉन्स्टेंट डाल दिया एंड देन वी कैन राइट एम ए. ठीक है, अब हम इस कॉन्स्टेंट का वैल्यू हमारा वन हो जाएगा, हमने इस तरह से फोर्स का यूनिट को चूज करेंगे कि जब हम मास का वैल्यू 1 केजी, एक्सेलरेशन का वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा तो हमारा के का वैल्यू 1 हो जाएगा. हमने इस तरह से ही वी हैव चोजन द यूनिट ऑफ फोर्स इन सच अ वे दैट व्हेन मास इज इक्वल टू 1 केजी एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, के का वैल्यू 1 हो जाएगा. अगर के का वैल्यू 1 हो जाएगा सो वी विल गेट एफ इज इक्वल टू एम ए. दिस इज द फाइनल इक्वेशन जिसको हमें डिराइव करना था. सो हमने यहाँ क्या लिखा, कंबाइनिंग द टू इक्वेशंस वी गेट एफ इक्वल्स टू के एम ए. नाउ हियर के इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो मैंने अभी जस्ट बोला. द यूनिट ऑफ फोर्स इज सो चोजन,
फोर्स का यूनिट इस तरह से चूज किया गया दैट के बिकम्स वन, के का वैल्यू वन हो जाता है व्हेन एम इज वन एंड एक्सेलरेशन इज ऑल्सो वन. दस द अमाउंट ऑफ फोर्स इज टेकन एज वन यूनिट ऑफ फोर्स विच इज विच व्हेन अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ यूनिट मास प्रोड्यूसेस यूनिट एक्सेलरेशन इन द बॉडी. तो हमारा फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू एम ए, यानी फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. अगेन एक बड़ा इंपॉर्टेंट इक्वेशन तुम्हारे सामने है, फोर्स इज इक्वल टू एम ए. इस इक्वेशन को भी रट लो अभी. तो हमने पहला, हमने अभी तक तीन इक्वेशंस पढ़ा, तीनों इक्वेशंस को एक बार रिवाइज कर लेते हैं. पहला इक्वेशन लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी, नो डाउट. सेकेंड इक्वेशन हमने पढ़ा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी डेल्टा पी बाई टी, ऊपर दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. ओके, जब हम टी डिनोमिनेटर में डाल दिए तो इट विल बिकम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू एम ए. हमने ये डिराइव किया अभी. अभी तुम देखो ये इक्वेशन एफ इज इक्वल टू एम ए जो अभी हमने जस्ट डिराइव किया, उसका आर एच एस राइट हैंड साइड में क्या है, एम इंटू ए. और यहाँ पे जो इक्वेशन हमने डिराइव किया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, उसका भी राइट हैंड साइड में एम ए है. यानी दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंबाइन करेंगे तो हम ये लिख सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, नो डाउट, बिकॉज फोर्स इज ऑल्सो इक्वल्स टू एम ए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज ऑल्सो इक्वल्स टू एम ए. यानी हम ये चीज लिख सकते हैं कि एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई टी, नो डाउट. और डेल्टा पी बाई टी को क्या लिख सकते हैं हम, एम इंटू वी माइनस यू by t, because this is only rate of change of momentum, m into v minus u by t. यहाँ पे हमने derive किया था कि m into v minus u by t is rate of change of momentum. I hope all the equations are getting clear to you. So हमने कितना सारा equations पढ़ा, m is equals to p is equals to mv, f is equals to ma, then this f is equals to mv minus u by t. So ये सारे equations को उतार लो. Now there is a graph in front of you. This graph is also sometimes asked in your exam. From this equation, F is equal to ma. ये जो equation हमने अभी derive किया, इस equation को हम बोलते हैं Newton's second law of motion का mathematical statement. ठीक है, ये हमने derive किया. अगर force constant है, ऐसा assume करते हैं कि मान लो कोई body पे force लग रहा है, उसका force constant है, constant force उस पे लग रहा है, तो हम इस equation को ऐसे लिख सकते हैं कि F by M is equal to A, ऐसा लिखा जा सकता है. हमने जस्ट मास को उस साइड भेज दिया, लेफ्ट हैंड साइड भेज दिया, लिख सकते हैं. फोर्स हमारा कांस्टेंट है तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M. बिल्कुल लिखा जा सकता है यहाँ से, क्योंकि एक न्यूमरेटर में है एक डिनोमिनेटर में है, तो दोनों इनवर्स रिलेशन है और ऊपर ये जो फोर्स है ये कॉन्स्टेंट है, तो एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास. तो हमने ये यहाँ लिखा फॉर अ गिवन फोर्स एफ, अगर हमारा फोर्स कॉन्स्टेंट है तो. अब हम अगर एक्सेलरेशन और मास का ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो हमारा जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज आया उस वैल्यूज से अगर हम प्लॉट करेंगे तो हमारा कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा. ठीक है, ये ग्राफ का जो शेप है, यानी ये जो शेप है, ये जो कर्व तुम्हें मिल रहा है, इस कर्व को हम हाइपरबोला बोलते हैं. क्या बोलते हैं, कर्व का नाम क्या है, हाइपरबोला. यू आर गेटिंग अ हाइपरबोला कर्व. जैसे स्ट्रेट लाइन कर्व को हम क्या बोलते हैं, लीनियर ग्राफ. जैसे इस तरह का कर्व को क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्राफ. तो इसी तरह का कर्व को हम हाइपरबोला बोलते हैं. तो वी आर ऑब्टेनिंग अ हाइपरबोला कर्व व्हेन वी आर प्लॉटिंग एक्सेलरेशन एंड मास, एंड एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद मास. तो तुम्हारा कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, प्लॉट द ग्राफ और हाउ डज एक्सेलरेशन वैरी विद मास ऑफ द बॉडी व्हेन द फोर्स इज कॉन्स्टेंट, प्लॉट द ग्राफ फॉर दिस. सो तुम्हारा ये चीज तुमको यहाँ लिखना है, दिस एंटायर थिंग. Okay, note it down in your notes copy. Moving to the next topic. Okay, so now let us look some numericals, some easy numericals we'll discuss. How much force is required? Kitna force zarurat hai to produce an acceleration of 2 meter per second square? So acceleration diya hua hai 2 meter per second square, mass diya hua hai 0.8 kg. So 0.8 kg ka mass mein mujhe kitna force lagana hoga ki 2 meter per second स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ जाए. तो यहाँ पे यूनिट गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे स्क्वायर होगा. ठीक है, बी केयरफुल दैट हियर मिस प्रिंटिंग इज देयर, इट शुड बी माइनस टू होना चाहिए पावर में. एनीवे यू डोंट मेक द मिस्टेक. सो इक्वेशन वेरी सिंपल इक्वेशन है, एफ इक्वल्स टू एम ए.
मैंने अभी डिराइव किया था, तो मास दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, हमने फोर्स निकाल दिया 1.6। नाउ यूनिट क्या होता है फोर्स का? यूनिट होता है न्यूटन। इस चीज को, एक नया चीज अभी तुमने सुना होगा, शायद पहले भी सुना है, क्लास 8 में भी पढ़े होगे कि फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है न्यूटन, यानी हमारा 1.6 न्यूटन आ जाएगा। न्यूटन का सिंबल एन होता है, कैपिटल एन होता है। ओके, नाउ हियर तुम लोगों के लिए होमवर्क है आज का। पहला क्वेश्चन क्या है? अंडर व्हाट कंडीशन डज द रिलेशन डेल्टा पी इक्वल्स टू एम डेल्टा वी होल्ड ट्रू? तो मैंने आज तो डिस्कस किया कि कब ये रिलेशन ट्रू है, कंडीशन तुम्हें लिखना है। यहाँ कुछ न्यूमेरिकल्स है, तुम बना लोगे, ठीक है? वेरी सिंपल, यहाँ पे मास दिया हुआ है, उसका वेलोसिटी दिया हुआ है, लीनियर मोमेंटम निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे? पी इक्वल्स टू एम वी, मास वेलोसिटी दिया हुआ है, पी निकल जाएगा। लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉल इज गिवेन, कितना है? 0.5 केजी मीटर पर सेकेंड, ये पी का वैल्यू दिया हुआ है। मास कितना है? 5 ग्राम। तो मास भी दिया हुआ है, लीनियर मोमेंटम भी दिया हुआ है, वेलोसिटी निकालना है, यानी इसमें भी हम पी इक्वल्स टू एम वी का रिलेशन यूज करेंगे सेकेंड क्वेश्चन के लिए भी। थर्ड क्वेश्चन में क्या करेंगे, रादर फोर्थ क्वेश्चन में क्या करेंगे? फोर्स दिया हुआ है 15 न्यूटन, ठीक है, मास दिया हुआ है 2 केजी, एक्सेलरेशन निकालना है। कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? एफ इक्वल्स टू एम ए, एफ इक्वल्स टू एम ए, नो डाउट, वेरी सिंपल। फिफ्थ क्वेश्चन को तुम अपने से करना, उसमें भी हमें F इक्वल्स टू एम ए ही यूज करना है। ओके, नाउ दिस सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या है? कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, फोर्स का वैल्यू निकालना है, विच व्हेन अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 0.5 केजी, मास का वैल्यू दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है, यानी सिक्स्थ क्वेश्चन में भी हमें F इक्वल्स टू एम ए ही यूज करना है। आई थिंक जितने अभी न्यूमेरिकल्स यहाँ है, नंबर 2 to 6 तुम इजिली बना लोगे, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? हाउ डज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ गिवन फोर्स डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी? तो ये जो ग्राफ मैंने अभी प्लॉट किया था ना, एक्सेलरेशन और मास पर, मास के बीच, यानी ये ग्राफ, दिस ग्राफ, दिस थिंग विद दिस एंटायर थ्योरी पार्ट ऑल्सो यू हैव टू राइट ओवर देयर, यहाँ पे बोल दिया है, ड्रॉ द ग्राफ टू शो इट। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सारा क्वेश्चन को तुम बना लेना, 7 questions, this is your homework. So thanks for watching, and in our next lecture what we will study SI and CGS unit of force. ठीक है, हमने अभी तक न्यूटन को डिफाइन नहीं किया है कि 1 न्यूटन मतलब कितना होता है, CGS यूनिट क्या होता है फोर्स का, ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एंड वी विल स्टडी द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, वी विल स्टडी एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इन डेली लाइफ, यहाँ लॉ होगा, ओके, मैं मिसप्रिंट हो गया स्पेलिंग में, तो हमारा जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का एग्जाम्पल्स हम पढ़ेंगे, एंड वी विल सी मोर ऑफ न्यूमेरिकल्स। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड स्टे वेल, स्टे गुड।